अहंकार सत्य अनीति और बुराई के प्रतीक के रूप में दशानन रावण के पुतले हर वर्ष दशहरे पर जलने की परंपरा देश के विभिन्न हिस्सों में बनी हुई है। कई जगह के आकार के पुतले तैयार करने पर आयोजन समिति ₹1000 खर्च करती है। ठीक इसके उल्टे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 110 फीट का टेक्निकल रावण का पुतला बनाया गया जो स्कैप में बनकर तैयार किया गया है। सबसे खास बात की इससे बनने में बहुत कम राशि खर्च हुई क्योंकि कारीगर ने नहीं बल्कि बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने इसे तैयार किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी के कोरबा पश्चिम परियोजना HTPS लाल मैदान में इन दिनों रावण के पुतले को तैयार किया जा रहा है। राम इकबाल सिंह ने बताया कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से इस काम को शुरू किया गया था। इस तरह अब 39 वर्ष में यहाँ रावण बनाने के साथ उसका दहन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में यह सबसे बड़ा होगा जिसकी ऊंचाई 110 फीट की होगी। राम इकबाल सिंह सीएसवी कोरबा पश्चिम। हम लोग विगत 40 साल से इस दशहरा उत्सव को मना रहे और अपने जो टेक्नीशियन लोग हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं विद्युत मंडल के अधिकारी लोग मिलकर इसको बनाते हैं और विद्युत मंडल का जो स्क्रैप मटेरियल है उसके द्वारा बनाया जाता है। अब 40 साल हो गए इसको बनाते बनाते, तो अनुभव भी हम लोगों को बहुत हो चुका है और इसके इसके जो मतलब पार्ट्स हैं या जिस प्रकार से बनाया जाता है, तो टेक्नीशियन लोग हैं सब विद्युत मंडल के, टेक्निकल रावण है सीधा सीधा। और छत्तीसगढ़ में या तो पूरे इंडिया में टेक्निकल रावण हम लोग तो नहीं जान रहे,